वेलकम टू किचन विद नैब्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज बना रही हूँ पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता। तो व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए मैंने सॉसेजेस लिए हैं सबसे पहले, और इसे थोड़े से ऑयल में शैलो फ्राई कर रही हूँ। ऑयल मैंने तकरीबन 1/4 कप लिया है, और सॉसेजेस को मैंने इस तरह से कट कर लिया था, 3 से 4 अदर सॉसेजेस लेकर। और फिर मैं इसे उस वक्त तक फ्राई करूंगी जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। तो चलें इसे फ्राई कर लेते हैं। सॉसेजेस को हमें बस इतना ही फ्राई करना है कि ये हल्के से क्रिस्पी से हो जाएं, ज्यादा क्रिस्पी ना हो, बिल्कुल लाइट से क्रिस्पी हो। तो चले अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। अब मैंने तकरीबन आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है, और अब मैं इसे उसी ऑयल में, सेम ऑयल में फ्राई कर लूंगी। अब मैंने एक्स्ट्रा ऑयल ऐड नहीं किया है इसमें। अब हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। और फिर अब मैं इस पॉइंट पे इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर रही हूँ, और इसे भी मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। ये देखिए इस पॉइंट पे चिकन का कलर जो है वो चेंज हो गया है। तो इसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट हम थोड़ा कम ही ऐड करेंगे क्योंकि आगे चल के हमने पास्ता में भी सॉल्ट ऐड करना है। और उसके बाद मैंने ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। और फिर मैं इसमें ऐड करूंगी गरम मसाला। गरम मसाला मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून ऐड किया है, और इसके अलावा मैं ऐड कर रही हूँ इसमें वाइट पेपर पाउडर, वो भी मैं 1/2 टीस्पून ऐड करूंगी। तो अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और अगर हमें वाटर की ज़रूरत हो तो हम इसमें 2 टेबलस्पून वाटर भी ऐड कर सकते हैं ताकि मसाले जले नहीं। तो मैं अब इसे अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, तकरीबन मैं 2 मिनट तक इसे फ्राई करूँगी। फ्लेम हम इसका तकरीबन मीडियम टू हाई रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है हमें, क्योंकि चिकन जो है मैंने बोनलेस लिया है और वो बहुत जल्दी गल जाएगी। तो ये देखिए हमारी चिकन जो है वो गल चुकी है। अब मैं इसमें टेस्ट के लिए 1 टेबलस्पून दही डाल रही हूँ। दही ऐड करने के बाद मैं इसे तकरीबन 1 मिनट के लिए इस तरह से हाई फ्लेम पर पका लूंगी। इसके साथ साथ अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर और मेरी इस वीडियो को पहली दफा देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो बेल का आइकन है इसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और हर वीडियो ही आपको यूनिक मिलेगी, डिफरेंट स्टाइल में रेसिपीज आपको मिलेंगी यहाँ पर। तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखिए इस पॉइंट पे हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो चलें अब हम व्हाइट सॉस पास्ता के लिए व्हाइट सॉस बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल, उसी पैन में हम ले लेंगे। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 कप मिल्क। अगर ml में देखें तो 250 ml मिल्क लिया है मैंने यहाँ पर। और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी, और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी तकरीबन 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर। इसे ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे कि कोई लम्स ना रहे, और फिर हम इसे पकने देंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए मीडियम हीट पर। और अब मैं इसके बाद इसमें ऐड करूंगी ब्लैक पेपर पाउडर, वो भी मैं 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। और फिर हम इसे मिक्स कर लेंगे, और फिर हम इसमें सॉल्ट ऐड कर लेंगे। सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। मैंने 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, और मैंने चिकन में भी कम सॉल्ट ऐड किया था, और व्हाइट सॉस में भी हम कम सॉल्ट ही ऐड करेंगे क्योंकि आगे हमने पास्ता में भी सॉल्ट ऐड करना है। हम इसे मिक्स करके पका लेंगे 1 मिनट तक, और फिर जब इस तरह से उबाल आने लगेगा तो हम इसमें 1 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड कर देंगे। और ऑरिगेनो ऐड करके मिक्स कर रही हूँ मैं इस पे। अब इसे मजीद 1 मिनट तक हम पकाएंगे, और हीट हमने मीडियम आंच ही रखनी है। देखिए अब इसमें इस तरह से उबाल आने लगा है, तो अब इसमें मैं ऐड करूंगी कॉर्नफ्लोर का सोल्यूशन। मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है 2 टीस्पून, और 1 टेबलस्पून वाटर में इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। पानी मैंने 3 टेबलस्पून लिया था, और अब मैं इसे ऐड कर दूंगी अपनी व्हाइट सॉस में ताकि व्हाइट सॉस हमारा थोड़ा गाढ़ा हो जाए।
और एक हाथ से हम इसे डालते जाएंगे और दूसरे हाथ से इसे चलाते जाएंगे। अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम इसे इस तरह से गाढ़ा कर लेंगे अब, और इसे हम लो फ्लेम पर अब पकाएंगे तकरीबन एक मिनट के लिए। और फिर अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मोज़रेला चीज़। एक कप मोज़रेला चीज़ लिया है मैंने यहाँ पर। इसे ऐड करके फिर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी, और फ्लेम हमने यहाँ पर लो ही रखनी है। तो ये देखें यहाँ पर हमारी मोज़रेला चीज़ जो है वो अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब इस पॉइंट पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी पास्ता। पैन पास्ता यूज किया है मैंने यहाँ पर। पास्ता को मैंने पहले से बॉइल कर लिया था। मैंने एक पतीले में पानी लिया और इसमें 2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया और 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के उसे अच्छे से पका लिया था। तो यहाँ पर मैंने पैनी पास्ता ऐड कर दिया है इसमें, और अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी सॉसेजेस जो हमने फ्राई करके रखे थे, उसमें इसे ऐड करेंगे और फिर हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने जो चिकन बना के रखा था पहले से, उस चिकन को भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और फिर हम इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ पर मैंने दोनों चीजों को ऐड कर दिया है, और अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। और याद रखें कि फ्लेम हमारा अभी भी जो है वो बिल्कुल लो फ्लेम पर है, दम वाली आंच पर हमने रखा हुआ है आंच को। तो फिर मैंने इसे अब मिक्स कर लिया है, और अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही मजेदार बने थे व्हाइट सॉस पास्ता। आप जरूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद है, खासकर मेरी छोटी बहन को बे इंतहा पसंद है ये व्हाइट सॉस पास्ता। तो आप भी जरूर इसे ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये वीडियो और ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो बेल का आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, और मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर शेयर कीजिएगा। बेल का आइकन प्रेस करने से आपको मेरी हर न्यू वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो चलें अब इख्तिताम करते हैं हम अपनी इस प्यारी सी वीडियो का इस प्यारी सी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।